वेलकम बैक टू माई चैनल रंजना स्टाइलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को ये पता है कि अभी हाल फिलहाल हमने अपने किचन बनवाई है। तो किचन बनवाने के साथ साथ ना हमने क्या करना होता है, किचन को ऑर्गेनाइज भी करना होता है, किचन को डेकोरेट भी करना होता है। तो इसीलिए ना मैं थोड़े थोड़े करके ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ ताकि मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर पाऊँ और उनको डेकोरेट कर पाऊँ। तो आज भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं आप लोगों को शो करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी तो इससे हेल्प हो ही रही है तो आपकी क्यों ना हेल्प हो जाए इससे भी। मैं आपको दिखाऊंगी, वो है एक घी पॉट, मतलब घी दानी। आप सभी के घरों में घी यूज़ होता है, घी नहीं भी यूज़ होता तो पराठे बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही होंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिए स्टील का है ये पॉट, बहुत ही मतलब डेकोरेट पर्पज से भी अच्छा है और इसको यूज़ भी, देखो डेकोरेट तो हमें करना ही है बट डेकोरेट होने के साथ साथ वो हमारे लिए काम का भी हो तो भी ज़्यादा अच्छा। ऐसा ना हो कि सारे शोपीस हम अपने किचन में लगा दें और वो काम की ना हो। सो बहुत ज़्यादा अच्छे, देखिए मटकी स्टाइल में। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा घी है तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और ना इसमें देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी लिड दी है, ऐसे ना इसमें छोटा सा पॉइंट है जिससे आप आराम से इसको ओपन कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पर ना देखिए कॉर्नर में छोटा सा ये होल दिया गया है जिसमें आराम से आपकी जो चम्मच है वो स्टिक हो जाएगी। और चम्मच भी काफ़ी अच्छी है, क्यूट सी है, मैं दिखा दूँ आपको। देखिए जो आपको अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो देखिए किचन को हमें सजाना तो है, ऑर्गेनाइज भी करना है, बट ना किचन में हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, मॉर्निंग के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक। तो ना हमें अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ना मैंने सारे मतलब फ्रिज मैग्नेट्स मंगाए हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स मंगाए हैं जिन पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल कोट्स भी लिखे हैं जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलती रहती है। सो सबसे पहले देखिए, दिस किचन इज सीजन विद लव, बहुत ब्यूटीफुल। ये सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं, साइज़ तो इनका बहुत छोटा है बट इनके ऊपर जो कोटिंग्स है वो बहुत कमाल की है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, कॉफ़ी इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बना हुआ है। जो बहुत हल्के वाले वुड होते हैं ना उनसे, बहुत हैवी नहीं है। और इसके पीछे देखिए ये ऐसे मैग्नेट लगा हुआ है छोटा सा, तब आपके फ्रिज पे आराम से ये स्टिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट, डोंट वरी बी हैप्पी, इसकी तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कई बार हम बहुत थके होते हैं, परेशान होते हैं बट फिर भी हमें किचन में काम करना होता है। सो ये उस टाइम काम करेगा। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड टुगेदर, ये तो बहुत रियलिटी है कि मील्स एंड मेमोरीज एक साथ ही बनती है हमारी किचन में। ये चार आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट जरूर कीजिएगा, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको जो भी प्रोडक्ट्स बाय करने होंगे आप वहां से बाय। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, एक्चुअली आपको जैसे मैंने बताया है कि किचन हम रेनोवेट करा रहे हैं तो ना मैंने सोचा कुछ यू देखिए, मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से ये ग्लास का सेट लिया है, ये 6 ग्लास के सेट्स हैं। इस पे देखिए ये ना इतने ब्यूटीफुल से ना आजकल ये चल रहे हैं, ये फ्लावर का पैटर्न है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और ना इसकी ये देखिए क्यूट सी ये मटकी स्टाइल है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने 6 का सेट लिया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ना मैंने सोचा क्यों ना थाली भी ले लें, एक्चुअली देखिए सो मैंने ना ये ऐसी सेक्शन वाली थाली भी मंगवाई है। इसमें भी देखिए ये फ्लावर का पैटर्न है तो ग्लास और इसका सेट बन जाएगा, मतलब किसी को लगेगा नहीं कि अलग अलग है। मैंने सोचा क्यों ना मंगवाया जाए। और देखिए सेक्शन वाली थाली का ना मेन ये होता है कि आपको बहुत सारी कटोरीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेक्शन वाली थाली है, आराम से कुछ इसमें रख दिया कुछ इसमें रख दिया, मतलब 2-3 आइटम आप आराम से रख सकते हैं अगर आपके घर में गेस्ट भी आते हैं। क्वालिटी इसकी अगेन बहुत अच्छी है, मजबूत है, ऐसा नहीं है कि चटक पटक होएगा थोड़ी देर में, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये मैंने 12 का मतलब 12 मंगवाए हैं, सेट 12 का मंगवाया है।
प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है. हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पॉलिथीन डिस्पेंसर. सो ना हमारे घर में बहुत सारी पॉलिथीन्स होती हैं जिनको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, गार्बेज बैग्स होते हैं जिनको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है. तो ना आजकल काफी ट्रेंड में है ये चीजें. सो क्योंकि ना देखिए पन्नी में अगर हम पन्नी भर के रखें ना तो वो बहुत वियर्ड लगता है. कोई भी हमारे घर में आता है कि घर तो अच्छा बनाया हुआ लेकिन पन्नी के अंदर पन्नी रखी हुई है, सो वो बहुत ज्यादा बकवास लगता है. तो मैंने ना एक ये प्रोडक्ट मंगाया है. देखिए ये इसको थोड़ा सा असेंबल करना पड़ेगा. एक्चुअली ये प्लेट दी गई है नीचे से, ऐसे आप इसको टक करके और ये यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे से हिंज दिए गए हैं जिसके अंदर ये इजीली फिक्स हो जाता है. सो ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा. और ना इसमें देखिए इतने सारे होल्स हैं तो आप किसी भी होल में से आराम से अपनी जो पॉलिथीन्स हैं या जो कैरी बैग्स हैं उनको निकाल सकते हैं. सो ये कुछ इस तरह का आएगा. और देखिए ये ना यहाँ पर होल्स भी दिए गए हैं, आप चाहो तो इसको अपने किसी भी वॉल में या किसी भी शेल्फ में ड्रिल कर सकते हो. अदरवाइज इसमें ना ऊपर नीचे बोथ साइड डबल साइड टेप दिए गए हैं तो आप इजीली डबल साइड टेप की मदद से इसको स्टिक भी कर सकते हैं. सो मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ इसको यूज़ करने का, बट आप लोगों को दिखाना था तो अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली इस वीडियो के बाद मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा दूँ वो ना मैंने अपने काउंटर टॉप पे रखने के लिए टू टायर शेल्फ ली है. ये भी आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है. सो कुछ इस तरह का ये ऊपर ऐसे रेलिंग टाइप दी गई है, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन है, ऊपर भी आराम से आप अपना सारा सामान रख सकते हैं. आजकल ना देखिए टी सेक्शन बनाना काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि हमें अपना टी सेक्शन बनाना है काउंटर टॉप पे, कि मतलब जो चाय से रिलेटेड सामान है वो सारा एक साथ. सो मैंने कुछ उसको दिमाग में रखते हुए अपनी सामान मंगाया है तो मेरे ना ऊपर की शेल्फ में आराम से सारे टी का सेक्शन आ जाएगा, मतलब चीनी चाय पत्ती कॉफ़ी, और नीचे मैं आराम से अपने स्पाइसेस रख सकती हूँ क्योंकि नीचे हाइट ज़्यादा है. सो आप एक के ऊपर एक डब्बे रख सकते हैं, मतलब स्टेकेबल डब्बे रख सकते हैं तो आराम से ये यूज़ हो जाएगी. सो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है. तो अपना लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट, सो ये ना मैंने अपने किचन के कॉर्नर में रखने के लिए मंगाया है. देखिए कितना ज़्यादा ही अच्छा है, आराम से आप इसके ऊपर कोई सामान रख दीजिए. नीचे ये खाली है, बाकी ऊपर दो शेल्फ्स दी गई हैं. क्वालिटी अच्छी है, स्टील की है, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है. आप अपने किसी भी किचन कॉर्नर में रख दीजिए और इजीली इस पे सारा सामान रख सकते हैं, कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये. सो ना मैं इसको ऑर्गेनाइज जैसे जैसे करूँगी सो उनकी भी पिक्स मैं आपके साथ अटैच कर दूँगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सामान आप कैसे कहाँ रख सकते हैं. सो फ्रेंड्स ये था छोटा सा हॉल, कैसा लगा आपको ये हॉल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी क्योंकि किचन डेकोरेट करने में ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है. तो मेरे लिए अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं या मैं कुछ आपको और दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना. सो मैं आपके लिए वो वीडियो भी जरूर बनाऊंगी. सो अगर पसंद आई हो, ये सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए सो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना. अगर आप लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी हेल्प हो जाए. सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते.